हैं जेपीएससी के लिए। पीटी पेपर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे चैनल के तरफ से डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आज जो है हम लोग पीटी पेपर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति की जो प्रथम बस्ती है उसका निर्माण किस नदी तट से मिलता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दामोदर नदी, सेकेंड ऑप्शन है निरंजना नदी, थर्ड है स्वर्णरेखा नदी एंड द फोर्थ वन इज दक्षिणी कोयल नदी। इन चारों नदी में से किस नदी पर खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का निर्माण मिलता है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है हमारा डी। सही आंसर हमारा क्या है? सही आंसर है हमारा दक्षिणी कोयल नदी। इस नदी के तट पर जो है खड़िया जनजाति की बस्ती का निर्माण के बारे में जो हमें सारी जानकारी मिलती है। अब खड़िया जनजाति के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेने चाहिए कि इस जनजाति का टोटल पॉपुलेशन क्या है। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 4,33,722। ये जो है इसकी टोटल पॉपुलेशन है। ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन समूह का एक अंग है, ये जो खड़िया जनजाति है। और इसकी जो भाषा है ये ऑस्ट्रिक फैमिली से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? ये करती है ऑस्ट्रिक फैमिली से रिलेटेड है। खड़िया जनजाति जो है इसके तीन उपभाग हैं। और ये तीन उपभाग कौन कौन से हैं? तीन उपभाग हैं खड़िया जनजाति के, हैं हील खड़िया, डेल की खड़िया और दूध खड़िया। कौन कौन है? हील खड़िया, ढेल की खड़िया और दूध खड़िया। तो ये जो है ये खड़िया जनजाति के तीन उपभाग हैं। तो एक ही क्वेश्चन में देखिए आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो है निकल जाता है। इसमें खड़िया जनजाति से रिलेटेड भी आपको 3 से 4 महत्वपूर्ण तथ्य मिल गए। इसके टोटल पॉपुलेशन क्या है, इसकी जो भाषा है वो किस परिवार से जुड़ी हुई है, इसके तीन उपभाग हैं हील, ढेल की और दूध खड़िया। ओके, अब जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? मतलब वो कौन सी जनजाति है जिनका एंट्री हुआ है तिब्बत के तरफ से? तो हमारे पास ऑप्शन है मुंडा, सेकेंड ऑप्शन उड़ाव, थर्ड ऑप्शन है संथाल एंड फोर्थ ऑप्शन इज कोल। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है हमारा मुंडा। ये जो मुंडा जनजाति है ये आई है तिब्बत के तरफ से। मुंडा जनजाति जो है ये अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जाने जाती है तो इसका टोटल पॉपुलेशन भी जो है अच्छा होगा। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 12.29 लाख। ये जो है ये इसकी टोटल पॉपुलेशन है। ओके, इसके अलावा ये जो जनजाति है ये झारखंड के किन किन जगहों में निवास करती है? मतलब मुख्यतः कुछ जगह होंगे जहां पर ये मुंडा जनजाति जो कि जनसंख्या के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये निवास करती है। ये निवास करती है आपका हजारीबाग, पलामू, देवघर, इन भी जगहों में ये जो है मुंडा जनजाति का मुख्यतः निवास स्थान है। इसके साथ साथ मुंडा जनजाति की लैंग्वेज क्या है? मुंडारी। इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? ये है आपका मुंडारी। मुंडारी भाषा जो है ये लोग उपयोग करते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में जो युवा गृह होता है उसको गिति ओड़ा कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? गिति ओड़ा। तो देखिए हम लोगों ने तिब्बत से कौन सी जनजाति आई है झारखंड में, तो उसके बारे में हमने जाना कौन सी जनजाति आई है, मुंडा जनजाति। और इसके साथ साथ मुंडा जनजाति के बारे में 2 से 3 महत्वपूर्ण तथ्य कि इसकी टोटल पॉपुलेशन क्या है और इसके
युवा गृह को क्या कहा जाता है, इसकी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें जो है ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? जब इल्तुतमिश और बलबन का शासन काल था तो उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र का शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास लक्ष्मण कर्ण, हेमंत कर्ण, हरि कर्ण, प्रताप कर्ण। इन चारों में से कौन उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र का शासक था? तो इसमें जो है आपका सही आंसर जो है वो है आपका हरि कर्ण, जो इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल के समय में आपका राजा था छोटा नागपुर का, वो कौन था? वो था आपका हरिकर्ण। ये उस समय वहां पे किस क्या कौन था, ये छोटा नागपुर का किंग था, छोटा नागपुर का किंग था। ओके, 1206 में जब दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद जो गुलाम वंश के आपके शासक थे इल्तुतमिश, ये आप इनका शासन काल चला आपका 1211 से लेके 36 तक, 1211 से लेके 36 तक शासन काल चला है किसका, आपका इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का शासन काल चला है आपका 1211 से लेके 36 तक, जब आपका दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ उस समय। उसके बाद बलबन के द्वारा बिहार एवं बंगाल में अपना जो रहता है उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए छोटा नागपुर में उस समय शासक किसको बनाया गया था, उस समय शासक बनाया गया था हरि कर्ण को। लेकिन झारखंड क्षेत्र में जो है इसके पॉलिटिकल लेवल पर कोई खासा असर नहीं पड़ा था, झारखंड क्षेत्र में जो इसको बोल सकते हैं कि एवरेज लेवल में था उस समय। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने, किस सेनापति ने 1310 में छोटा नागपुर पर आक्रमण करके कर वसूला था? ऑप्शन है हमारे पास मालिक कफूर, मालिक छज्जू, मालिक बयान और मालिक अहसन। मालिक छज्जू ने जो है आक्रमण करके कर वसूला था, किसने? बी ऑप्शन जो है ये सही है, मालिक छज्जू के द्वारा जो है आक्रमण करके कर वसूला गया था। अब ये कब किया गया था? 1310 के आसपास, 1310 ईस्वी के इर्द गिर्द में ये कर वसूली का कार्यक्रम कराया गया था। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस कार्य में भेजा था आपका छज्जू को, और इन्होंने इतना प्रेशराइज कर दिया था, इस प्रकार से शोषण किया था कि छोटा नागपुर के जो शासक थे उनको कर देने के लिए विवश कर दिया था, किसने? छज्जू ने। और ये काम उसने कब कंप्लीट किया था? ये काम उसने कंप्लीट किया है आपका 1310 में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1748 से 50 में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में जो लूटपाट मचाई थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन है हमारे पास रघुनाथ राव, बालाजी राव, मीर हबीब, इनमें से कोई नहीं। कौन इसका नेतृत्व कर रहा था जब मराठों के द्वारा जो है मराठों ने राजमहल क्षेत्र में जो लूटपाट मचाई थी, तो उस समय जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे मीर हबीब। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? सी, मीर हबीब। ये जो थे ये नेतृत्व कर रहे थे जब राजमहल में लूटपाट मचाया गया था। ओके, इन्होंने सबसे पहले 1712 में बंगाल के नायब नवाब इजुद्दौला ने
राजमहल की किला बंदी करवाई थी 1712 में, और इसी ने सबसे पहले जो है वहां पर आक्रमण करके जो है विद्रोह को शुरू किया था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया, उसका जो है प्रथम गवर्नर किसको नियुक्त किया गया था? जब कोल विद्रोह हुआ तो उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया, उस समय प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन है मेजर बारो, सेकेंड ऑप्शन इज विल्किंसन, थर्ड ऑप्शन इज ली ग्रांड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कनिंगम। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी, विल्किंसन। विल्किंसन जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन राइज करता है कि विल्किंसन को तो गवर्नर बनाया गया, लेकिन ये जो कोल विद्रोह था ये हुआ कब? ये हुआ है आपका 1831 में। ये जो कोल विद्रोह हुआ है, ये कोल विद्रोह आपका कब हुआ है? ये कोल विद्रोह का टाइम पीरियड है आपका 1831 में ये कोल विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। और ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। और इस विद्रोह को शुरू करने का जो मेन मकसद क्या था? अंग्रेजों ने जिस तरीके से जनता का जो वो जिस तरीके से शोषण कर रहे थे, इसी के खिलाफ कोल विद्रोह जो है शुरू किया गया था, ताकि अंग्रेजों का जो शासन है वहां से खत्म किया जा सके। और जब ये कोल विद्रोह खत्म हो गया था, मतलब कोल विद्रोह के खत्म होने के पश्चात 1833 में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था 1833 में, जब ये कोल विद्रोह का एंडिंग टाइम आया था। ओके, तो गठन किसका हुआ था? दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला था? ऑप्शन है हमारे पास ए रांची, बी जमशेदपुर, सी खूंटी, डी हजारीबाग। तो झारखंड में असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो हमारा कौन था? ए रांची। रांची जो है ये असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र के रूप में बनके उभरा था। ओके, 1920-21 के बीच में जो महात्मा गांधी थे वे झारखंड आए थे, ये असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड है 1920-21। इस टाइम में महात्मा गांधी जो है ये झारखंड आए थे, और यहाँ पर आने के बाद इनका संपर्क डायरेक्टली किनसे हुआ? इनका संपर्क हुआ है डायरेक्टली टाना भगत आंदोलनकारियों से, और उन्होंने गांधी जी को जो है सारी परिस्थितियों से अवगत कराया। इन परिस्थितियों से अवगत कराने का उनका मेन उद्देश्य क्या था? कि गांधी जी जो है ब्रिटिशों से आजाद दिलाने में इनकी कोई मदद कर सके। जब इनका रांची दौरा हुआ था तो उस समय गांधी जी को टाना भगत जो समर्थक थे उनके द्वारा बहुत सारे उपहार भी भेंट स्वरूप दिए गए थे। ओके, सो असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड पता चल गया, और इसमें जब महात्मा गांधी रांची आए तो इनका संपर्क किनसे हुआ है? टाना भगत के समर्थकों से, जो टाना भगत आंदोलन था उसके समर्थकों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहां आयोजित किया गया था? ओके, ऑप्शन है हमारा ए पलामू, बी हजारीबाग, सी धनबाद, डी रांची। इन चारों जगहों में से कौन से जगह में जो है ये आयोजित किया गया था? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित किया गया है हमारा हजारीबाग में, जो
जो 16वां अधिवेशन है जो कि अक्टूबर में आयोजित किया गया, ये कहाँ आयोजित किया गया? हजारीबाग में आयोजित किया गया, ओके। और इसमें जो है बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय जो नेता जो इसमें सक्रिय रूप से भाग लिए थे, ये जो कॉन्फ्रेंस था स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, इसमें कुछ नेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। और वे कौन कौन थे? ये थे कृष्ण बल्लभ सहाय, आपके बजरंग सहाय, सरस्वती देवी। और ये जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है ये किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये जो है ये मेन क्वेश्चन है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये किया गया था आपका सरला देवी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में किया गया ये कॉन्फ्रेंस? पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया आपका सरला देवी की अध्यक्षता में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन किया गया? ऑप्शन है सेंट मैरी, ऑप्शन बी सेंट माइकल, ऑप्शन सी सेंट कोलंबस एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा सेंट कोलंबस, सी सेंट कोलंबस में जो है किसका गठन हुआ था आपका? ढाका छात्र संघ का गठन हुआ था। यहाँ पर किसका गठन हुआ है? ढाका छात्र संघ का, ओके। ढाका छात्र संघ का गठन हुआ है ढाका विद्यार्थी परिषद के द्वारा। क्या हुआ? झारखंड में पृथक्करण का बीज बोया गया। ये बीज क्यों बोया गया? ये ढाका विद्यार्थी परिषद जो है इसका एक शाखा कहाँ था? इसका एक शाखा झारखंड के रांची जिले में था, ओके। जो आगे चलकर यही शाखा बनी आपकी झारखंड पार्टी। ये जो ढाका छात्र संघ का जो ब्रांच था रांची में, वही आगे चलकर क्या बना है आपका? झारखंड पार्टी बना है, ओके। 1912 में विद्यार्थी परिषद की बैठक में भाग लेकर जो रांची में एग्लिकन मिशन है, ओके, ये चारों ने मिलकर इसी वर्ष क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना भी किया ढाका छात्र संघ के साथ साथ, ठीक है। तो ये जो ढाका छात्र संघ है ये किस कॉलेज में हुआ है? सेंट कोलंबस में, ओके। और ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम चेंज करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रख दिया गया। और ये छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया है 1915 में, 1915 में, ओके, छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति सोसाइटी जो है इसका नाम रख दिया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बनाए गए? जयपाल सिंह मुंडा जो है ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष किस साल बनाए गए? ऑप्शन है 1937, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1942। सही आंसर है हमारा 1939। 1939 में जयपाल सिंह को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। ये जो जयपाल सिंह है ये झारखंड के विभूति के रूप में जाने जाते हैं। झारखंड के निर्माण और इसके आंदोलन में इनका काफी योगदान है। तो जयपाल सिंह से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि इनका बर्थ प्लेस। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इसका ये क्या था? सही ऑप्शन है हमारा बी, और ये है 1939, ओके। इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी 1903, ये जो है इनका बर्थ प्लेस है 3 जन 1903, ओके। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण तथ्य, किससे? जयपाल सिंह से रिलेटेड, 1928 में ये अमस्टरडम में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, और इन्होंने काफी सारे अवार्ड्स भी दिलाए हैं भारत को, सिर्फ इंडियन
लेवल पर ही ये नहीं खेले हैं, ये इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं हॉकी के, जयपाल सिंह। ओके, और इन्होंने आदिवासी महासभा जो है गठन किया था, उसके बाद उसके अध्यक्ष भी बने, जिसको बाद में चलकर नया नाम दिया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद झारखंड पार्टी का। ओके, अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? जो रीमैरिज होता है उसको किस नाम से चीक बड़ाइक जनजाति में जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास नियो, सगाई, तपावन एंड नन ऑफ द एबव, मतलब इन चारों में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा सगाई, मतलब कि बी, बी ऑप्शन जो है वो राइट है। ये जो है ये लघु संख्यक जनजाति है, ये जो चीक बड़ाइक जनजाति है ये लघु संख्यक जनजाति है, लगभग झारखंड के सभी जिलों में पाई जाती है, मुख्यतः पाई जाती है गुमला, रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, इन सभी जगहों में जो है मुख्यतः ये जो जनजाति है ये पाई जाती है। और इसमें जो है वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को मूल्य दिया जाता है, वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष को भी मूल्य दिया जाता है, और इसमें रीमैरिज की प्रथा भी है, और जो रीमैरिज की प्रथा है इसको सगाई का नाम दिया गया है, जिसमें चीक बड़ाइक जनजाति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो ऑप्शन है हमारा ए, धरती देवता के रूप में, कुल देवता के रूप में, सूर्य देवता के रूप में, या फिर पहाड़ी देवता के रूप में। तो सही ऑप्शन है हमारा ए, धरती देवता के रूप में पूजते हैं। ओके, ये जो माल पहाड़िया जनजाति है झारखंड की आदिम जनजाति में से एक है, और ये जो है किस प्रजाति से बिलोंग रखती है? ये बिलोंग रखती है आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉयड स्पीसीज से। प्रोटो एस्ट्रोलॉयड स्पीसीज से जो है ये बिलोंग रखती है, कौन? माल पहाड़िया जनजाति। ये जो जनजाति है इसके प्रमुख देवता जो है सूर्य है, और भी अन्य देवता है, जैसे धरती देवता के रूप में आपका बेरू गोसाई को पूजा जाता है, वैसे ही ग्राम गोसाई होते हैं, ये सारे जो है ये प्रमुख देवी देवता के रूप में जाने जाते हैं, किस जनजाति के? माल पहाड़िया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा है? विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर, ऑप्शन सुन लीजिए, संथाल, असुर, खड़िया, उड़ाव, इसमें से किस जनजाति को विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा गया है? तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है बी, यानी कि असुर। असुर को जो है प्रथम आयरन स्मेल्टर का जो है दर्जा दिया गया है यहाँ के विद्वानों के द्वारा। ये जो है झारखंड की आदिम जनजाति है, और इनको जो है सिंधु सभ्यता का प्रतिस्थापक के रूप में जाना जाता है, किसको? असुर जनजाति को। और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद, अरण्यक, महाभारत, इन सभी में मिलता है, मतलब इस जनजाति के बारे में जो उल्लेख है इन सारे ग्रंथों में मिलता है। इनका पारंपरिक व्यवसाय था लोहे को गलाकर अस्त्र शस्त्र बनाना, और ये जनरली कहाँ निवास करते थे? जंगलों में, नदियों के किनारे, और ये लोहा गलाना जो था ये इनका मेन ऑक्यूपेशन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए असुर ट्राइब के बारे में जो है इम्पोर्टेंट दो तीन चीजें हमें मालूम चल गई, ये आदिम जनजातियों में से एक है, इनका मेन ऑक्यूपेशन लोहा गलाना है, इसका उल्लेख जो है महान ग्रंथों में मिलता है, वो ग्रंथ कौन कौन से हैं वो भी हम लोगों ने जान लिया। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तब तक
पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि दर्शन नहीं किए जाते। किसकी जो है बिना देखे हुए ये यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा, देवड़ी मंदिर, बासुकीनाथ, जगन्नाथ धाम और पहाड़ी मंदिर। तो हमारा सही आंसर है बी, बासुकीनाथ धाम। बासुकीनाथ धाम के बिना दर्शन किए बाबा बैद्यनाथ धाम का जो यात्रा है वो असफल माना जाता है। ओके, बासुकीनाथ का जब तक हम लोग दर्शन नहीं करेंगे तब तक बाबा बैद्यनाथ धाम का जो दर्शन है वो इनकम्प्लीट रहता है, कम्प्लीट नहीं रहता है। ये जो है ये हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थान है जो किस जिले में स्थित है, ये स्थित है आपका देवगढ़ जिले में। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये पूजा किस टाइम पे चलता है, सावन के महीने में। सावन के महीने में अभी जो बेसिकली चल रहा है सावन का महीना, इस टाइम पर बाबा बैद्यनाथ धाम में जो श्रद्धालु है इनकी जमघट काफी लगती है। और इसको जो है भगवान शिव का मंदिर होने के कारण इसका नाम जो है क्या पड़ा, बैद्यनाथ धाम पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है। ऑप्शन है नगर निगम, नगर पालिका, नगर विकास समिति या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा सही ऑप्शन है नगर निगम, ए। ए जो है ये हमारा सही ऑप्शन है और वो ऑप्शन क्या है, ये है नगर निगम। ये जो है इस प्रशासनिक इकाई नहीं है आपका। ओके, ये जो स्थानीय प्रशासन है ये दो भागों में विभाजित है। ये सबसे पहला है आपका जो है वो है आपका नगरीय प्रशासन और जो सेकंड वन है आपका ग्रामीण प्रशासन। और झारखंड में जो नगर निगम है, नगर निगम टोटल कितने हैं बताइए, तो नगर निगम की संख्या कितनी है झारखंड में, नगर निगम की संख्या कितनी है झारखंड में, नगर निगम की संख्या है टोटल 6। और ये जो नगर निगम है ये कहाँ है, रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, चास और आदित्यपुर। ये 6 जगह हैं, रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, चास और आदित्यपुर। इन 6 जगहों में जो है ये 6 नगर निगम है। ओके, नेक्स्ट है आपका, किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार और चढ़ाव मतलब अप एंड डाउन व्यक्त किया जाता है। पहला है डोमगच, दूसरा है जट जटिल, तीसरा है भकुली बंका और चौथा ऑप्शन है कीर्तनिया। तो सही ऑप्शन है हमारा बी, कौन सा जो है ये है जट जटिल। ओके, इसके माध्यम से ही ये गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव को व्यक्त किया जाता है। ये जो है मिथिला का लोक कला एवं लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है, जो जट जटिन है ये मिथिला का लोक कला और लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है मिथिला का। ओके, इसमें 2 नाचने की टोली होती है और ये नाच गान करके नोक झोक करके सुखी दाम्पत्य जीवन की मनोकामना करते हैं। ओके, तो ये जाट जटिन है ये मिथिला से संबंधित है लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरली, बनम, तुरही, तुइला और भेई ये सब क्या का उदाहरण है, वाद्य यंत्र के, शिकार करने वाले यंत्र के, आदिवासियों के पेय पदार्थ के या फिर कोई नहीं। तो ये सारे जो हैं ये हैं वाद्य यंत्र, ये काफी इजी क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र हैं ये चारों। ठीक है, और ये सारे जो हैं मुरली जो वाद्य यंत्र है इसकी जो बनावट होती है ये किसकी तरह होती है, मुरली की जो बनावट होती है वो होती है बांसुरी की तरह, सेम होता है ये बांसुरी की तरह। उसके बाद
जो भेरी और तुड़ी जो होता है एक ही तरह होते हैं, ये लंबे होते हैं, ठीक है। और ये सभी जो है को संथाल मुंडा खड़िया इन सभी के वाद्य यंत्रों के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदीय दुर्गा उत्सव पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले किस आदिवासी समुदाय के द्वारा पूजा की जाती है? ऑप्शन है मुंडा, बी असुर, सी बंजारा, डी संथाल। तो सबसे पहले जो है पूजा किया जाता है आपका संथाल जनजाति के द्वारा, ओके। संथाल जनजाति के द्वारा जो है पूजा की जाती है। संथाल जनजाति जो है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ये सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, और ये जो है झारखंड के जो संथाल परगना जो 6 जिले हैं संथाल परगना में वहां पर मुख्यतः उन क्षेत्रों में जो है पाई जाती है, ओके। संथाल जनजाति के का जो जीवन है ये मिश्रित रूप से होता है, ये लोग एजुकेशन से भी जुड़े होते हैं और एग्रीकल्चर से भी जुड़े होते हैं, ओके। और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन मैंने बताया कि ये जो है आपका नंबर 1 पे है, सबसे प्रथम जनजाति है, ओके। इनकी जो लिपि है जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसकी लिपि है ओल्चिकी, ओके। और जिसको आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आपका रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का प्रथम उपन्यास चक्रधरपुर के राजा रामचीज सिंह वल्लभ के द्वारा रचित किसको माना जाता है, कौन सा है वो रचना? पहला है चलती पिटारी, दूसरा है राजपूती शान, तीसरा है इंकलाब और चौथा है सपनों का संसार। तो सही आंसर है हमारा राजपूती शान, ओके। राजपूती शान जो है हमारा सही आंसर है जो कि बी ऑप्शन है। ये जो है आपका खड़ी बोली में वल्लभ जी के द्वारा रचित ये रचना है आपका राजपूती शान, ओके। झारखंड में हिंदी परंपरा की बुनियाद रखने वाले हैं ये कौन? आपके रामजीत सिंह वल्लभ। हिंदी परंपरा का बुनियाद किसके द्वारा रखा गया आपका? ये रखा गया आपका रामजीत सिंह वल्लभ के द्वारा, ओके। ओके फ्रेंड्स, कल से फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। दिस ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर द क्लास।